हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि बर्ड मोस्टली पीजन आती हैं बालकनी में, रूफ पे हमारे लगाए हुए प्लांट को कट कर देती हैं, सीड जो होता है उसको खा जाती हैं और काफ़ी बालकनी को, रूफ को डर्टी भी कर देती है। तो इसके लिए आज की वीडियो मैं लेकर आई हूँ, मैं बना रही हूँ बर्ड स्कैरर। इसके लिए मैंने लिया है मिल्क का, ये मेरे पास एम्प्टी बॉक्स पड़ा है, कोई भी आप बॉक्स एम्प्टी ले सकते हैं, प्लास्टिक का बट होना चाहिए। और इस तरीके से इसे बर्ड शेप में मैं कट कर ले रही हूँ। इस पे फिंस के लिए मैंने ड्राइंग कर ली है और इसे सीजर की हेल्प से मैंने कट कर लिया है इस तरीके से, यू कैन सी हियर। अब मैंने विंग्स बना लिए हैं ऐसे पतले पतले कट लगाकर। अब मैं इसके फेस बना रही हूँ, इसके लिए मैंने आई कट कर लिया है इस तरीके से, यू कैन सी हियर। और मैंने लाइटर की हेल्प से थोड़ा आई का शेप मैंने बना दिया है जलाकर इसको, इसको अच्छे तरीके से बना कर मैं स्टिक कर दूँगी लाइक दिस, यू कैन सी हियर। मैं यहाँ ऑलवेज एक्रीलिक कलर का यूज कर रही हूँ, ब्लैक एक्रीलिक कलर से पूरे को पेंट कर दिया है। नाउ आई एम टेकिंग येलो कलर, दैट इज शाइनिंग कलर, यू कैन सी हियर। मैंने आई के पास किया है, लिप्स पे किया है, थोड़ा ये भी स्केरी हो जाए कि बर्ड और भी स्केयर्ड हो जाए। मुझे भी काफ़ी टाइम से इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही थी, काफ़ी टाइम से बर्ड मेरे फ्लावर्स को कट कर दे रहा था। मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही होगी। ये जो मैं बर्ड स्कैरर बना रही हूँ, ये सारी चीज़ें घर में ही मिल जाएंगी, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन सी हियर। मैंने इस तरीके से यहाँ हैंग कर दिया है, आप इसे बालकनी में यूज कर सकते हैं, रूफ पे यूज कर सकते हैं, फील्ड में यूज कर सकते हैं फार्मर्स लोग। इस तरीके से हम अपने प्लांट को और बालकनी को डर्टी होने से बचा सकते हैं। Thank you guys. Please don't forget to like, comment, share and subscribe my channel.